प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने खुद माना कि पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि इन आतंकियों को इस्लामाबाद से संरक्षण प्राप्त है। यह जानकारी विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ट्वीट कर दी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे जहां तक जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई थी जो अमेरिका में स्वीकृत नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि देश यह जानना चाहता है कि कोवैक्सीन लगवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में इजाज़त कैसे मिल गई। लोकसभा सांसद व AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली स्थित उनके बंगले पर हुई तोड़फोड़ के बाद उनकी सुरक्षा को खतरा है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही घर पर हुई तोड़फोड़ की जांच संसद की विशेषाधिकार कमेटी को दी जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं। बिड़ला ने ट्वीट कर कहा कि समृद्ध परंपराओं, संस्कृति व इतिहास के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है। लोकतंत्र के उद्भव के प्रारंभिक केंद्रों में कर्नाटक एक है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की यात्रा उनके लिए सौभाग्य की बात है। भर्ती परीक्षा को लेकर गहलोत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब रोडवेज परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने वाले संस्थानों पर रेस्मा लागू कर दिया गया है। CS की सहमति के बाद गृह विभाग ने रेस्मा में राज्य में परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने वाले संस्थानों को शामिल कर लिया है। अब इनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति न हड़ताल कर सकेगा, न ही हड़ताल में शामिल हो सकेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नज़दीकी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद ने एक बार फिर राजस्थान में नेतृत्व सचिन पायलट को देने की बात दोहराई है। आचार्य प्रमोद ने फेसबुक पर लिखा कि अशोक गहलोत का वे पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भीखाजी कामा की आज जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि वे विदेशी धरती पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराने वाली पहली भारतीय थी। बीसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। बीते 24 घंटों में बांध में करीब 22 सेंटीमीटर पानी आया है। अब बांध का जल स्तर बढ़कर 311.60 आरएल मीटर हो गया है, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। हालांकि त्रिवेणी नदी के बहाव में लगातार गिरावट रही है। एक बार फिर तेल के दामों में आज बढ़ोतरी देखने को मिली है। डीजल में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद डीजल के दाम 98.04 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं। हालांकि पेट्रोल के दामों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी या कमी देखने को नहीं मिली है और पेट्रोल के दाम यथावत बने हुए हैं। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर खुला। सेंसेक्स पहली बार 60,000 के स्तर को पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 325.71 अंक की तेजी के साथ 60,211.07 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 93.30 अंकों की बढ़त के साथ 17,916.30 के स्तर पर खुला। We'll be right back.